और ये देखिए मैं फिर से आज अपने खेतों की ओर निकल पड़ा हूँ। और देखिए ये है उदाली, ये है यूरिया, और इधर ये फॉरेस्ट डिपार्ट का इधर पार्क बना हुआ है, लेकिन पार्क क्या बोले, इधर देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे शेड वगैरह बना हुआ है, घिसक करके नीचे उतरते थे उसे का निशान बना हुआ है। और हरियाली कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके ठीक बगल में पानी का झरना, देखिए वाइट वाइट जो पत्ता सब हो गया है, ये सब में कीड़ा लग गया है। सब पत्थरों के बीच में इस सब में नीचे में बहुत बड़ा बड़ा अजगर सांपों का बसेरा रहता था इस सब में। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आप सभी को मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। और ये देखिए मैं फिर से आज अपने खेतों की ओर निकल पड़ा हूँ। और देखिए ये है कुदाली, ये है यूरिया, जो कल मैं अपने खेतों में गया हुआ था खाद वगैरह डालने के लिए, उसी में से और एक खेत बचा हुआ है और उसमें 3 केजी बचा हुआ था, तो मेरे जो खेत बचा हुआ है उसमें 3 ही केजी यूरिया लगेगा। सो भित पखना जो इधर ही हम लोग का खेत है, इधर एक ही है, सोसो में पानी टंकी बना हुआ है, और इधर ये फॉरेस्ट डिपार्ट का इधर पार्क बना हुआ है, लेकिन पार्क क्या बोले, इधर पूरा झुड़ झाड़ हो गया है, इसको मेंटेनेंस नहीं किया फॉरेस्ट डिपार्ट वालों ने। देखिए तार का घेराव भी किया हुआ था और मौसम भी ख़राब लग रहा है, देखते हैं पानी वगैरह पड़ेगा कि क्या, नहीं तो हम लोग का खाद बर्बाद हो जाएगा। देखिए इधर जो तार का जाली लगा हुआ है उसके अंदर में अमरूद का पेड़, सब बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है। और इधर देखिए यही है भित पखना जो आप देख सकते हैं, पत्थर ही पत्थर आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में, बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं है लेकिन छोटा छोटा पत्थर है। देखिए आप देख सकते हैं वहाँ पे शेड वगैरह बना हुआ है और बैठने के लिए और भी 2-3 जगह बना हुआ है, और लाइट वगैरह भी लगा हुआ था। पत्थर में आप देख पा रहे होंगे कि दरार दरार टाइप का निशान बना हुआ है, और हम लोग जब छोटे थे उस समय जो बीच में आप देख रहे हैं वाइट वाइट लकीर ऊपर से जो नीचे उतरा है उसमें हम लोग घिसक करके नीचे उतरते थे उसे का निशान बना हुआ है। और हम लोग प्रायः इधर ही बैल बकरी चराने के लिए आया करते थे। पीछे आप देख पा रहे हैं इस सब पत्थर में हम लोग चढ़ करके ऊपर से नीचे घिसकते थे और पिछवाड़े के नीचे, समझ रहे हो अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पत्ता रख देते थे उसके बाद ऊपर से घिसक करके नीचे उतरते थे। जो आप देखें उसमें वही सफ़ेद सफ़ेद का निशान पड़ गया है, और अभी तो बैल बकरी इधर लाते नहीं हैं क्योंकि इधर पेड़ पौधा लग गया है। देख सकते हैं बारिश का मौसम धीरे धीरे अब ख़त्म होते जा रहा है, तो पानी का लेवल भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जब भी पानी जब इस सब में कम होने लगता है तो हम लोग मछली मारने के लिए आते हैं इस सब। और ये आप देख सकते हैं, देखिए खेतों में हरियाली कितना खूबसूरत लग रहा है, उसके ठीक बगल में पानी का झरना क्या खूब लग रहा है, आप देख सकते हैं।
कितना सुंदर नजारा है। और ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने खेत पर पहुंच गया हूं। अब देखते हैं इस सब में बाकी वगैरह लगा है कि क्या, देखना पड़ेगा। चलिए ऊपर की ओर से जाते हैं हम लोग। पापा लोग तीन भाई हैं, उसमें से तीनों का हिस्सेदारी हो चुका है। देखिए सबसे उस साइड में है बड़े पापा का, उसके बीच में है छोटे पापा का, उसके बाद ये है हम लोग का। और ये आप देख सकते हैं बाकी तो लग चुका है हम लोग के खेतों में भी। और इसमें पानी को टेक करके दवा देना था, लेकिन इतना पानी है कि सब में टेका नहीं जाएगा। देखिए बाकी लग गया है हम लोग के धान के पौधे में। देखिए ये सब का दवा छिड़कना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट हो गया है। देखिए वाइट वाइट जो पत्ता सब हो गया है, सब में कीड़ा लग गया है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं अपने खेतों पर आ चुका हूँ। और देखिए यही खेत है हम लोग का, इसी में खाद डालना है। और हम लोग के लिए एक बुरी खबर है जो मैं अभी आया और देखा। देखिए आप देख सकते हैं इस सब में वाइट वाइट बाकी सब धान के पौधे को खा रहा है। इस सब के लिए दवा देना पड़ेगा। अभी देखते हैं खाद वगैरह डाल करके आजकल में दे देना पड़ेगा, नहीं तो पूरा धान खराब कर देगा ये सब। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं अपने खेतों में खाद का छिड़काव कर चुका हूँ। अभी पानी भी फसफुस कर रहा है, देखिए आपको नज़र आता ही होगा। और ये देखिए दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ, मैं जाते वक्त देखिए मैं झरना आपको नज़र आया होगा, उसको मैं फिर से दिखा दूँ। देखिए मन गदगद क्यों नहीं होगा, नदी नाला पहाड़ पर्वत खेत खलिहान देख के ही किसान की ज़िंदगी में मन गदगद हो जाता है। देख सकते हैं झरना क्या सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बचपन में बैल बकरी लेकर के आते थे उस समय इस सब पत्थरों के बीच में इस सब में नीचे में बहुत बड़ा बड़ा अजगर सांपों का बसेरा रहता था इस सब में। और हम लोग प्रायः इधर ही बैल बकरी चराने के लिए आते थे और सांप वगैरह सब बैल बकरी सबको पकड़ लेते थे चुपचाप से। और अपना भोजन के लिए आहार बना लेते थे। और बाद में जब हम लोग घर ले जाते थे बैल बकरी सबको, सब उस समय पता चलता था कि हम लोग का एक बैल नहीं है तो बकरी नहीं है। जब खोजबीन करते थे तो पता चला कि इस सब पत्थरों के बीचों बीच में पकड़े हुए है और निकल गया है। करीब हम लोग के समय में ये केस 3-4-5 बार हो चुका है। और मैं आपको दूर से दिखा रहा था, देखिए इस सब में देखिए कैसे कैसे निशान पड़ा हुआ है। और बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसमें सांप सब चलते थे, उसी का निशान पड़ा हुआ है। और हम लोग जब बचपन में आते थे, देख सकते हैं इस पर ऊपर से घसर करके नीचे उतरते थे, देखिए उसी का निशान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो चलिए इधर का हिस्ट्री बायोग्राफी बहुत मैं दे चुका, अब इधर से निकलते हैं।
और हम लोग जब भी जंगल आते हैं तो लोग आपको देख करके बता सकते हैं कि ये जंगल गया हुआ था और ये जंगल एरिया से आ रहा है। बताइए कैसे पता कर लेते थे? तो मैं बता दूं, जब भी हम लोग जंगल आते हैं तो कपड़ा के नीचे में देखिए ये सब चोरट कटा सब कपड़ा में पकड़ लेता है, उसी से पता लग जाता है कि ये जंगल की ओर गया हुआ था। और जंगल आइएगा तो पूरा कपड़ा चोरट कटा से, और बढ़ेन कटा बोलते हैं, बढ़ेन कटा से पूरा कपड़ा सब पकड़ लेता है। और आपको लगभग घर जाने के बाद उसको छुड़ाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा एकदम पक्का।